सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस पे आपने जो वीडियो देखा उस टाइप का वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, तो मैं आज उसी वीडियो का टिटल देने वाला हूँ। और वीडियो बनाने के लिए आपको कैपकट ऐप का जरूरत होगा, और आप कैपकट को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि वो ऐप इंडिया में बैन है। तो आप सिंपल से क्रोम से डाउनलोड कर लेना, और कैपकट को आपको यूज़ करने के लिए आपको एक वीपीएन का ज़रूरत होगा। तो आप सिंपल से कोई भी वीपीएन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और वीपीएन कनेक्ट कर लेना, तभी आप कैपकट में एनिमेशन या कोई भी इफेक्ट आप दे पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। अब वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आप थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो आप वीडियो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो आपको कैपकट एप्लीकेशन ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और फर्स्ट आपको 8 इमेज सिलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है, और आपको 16:9 रेशियो आपको फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद बैक आना है, आपको कैनवास में जाना है, आपको कलर पे जाना है, और आपको कोई भी कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको फर्स्ट इमेज को आपको ड्यूरेशन 2.8 सेकंड रखना है। अब कम या ज़्यादा मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब पूरा 2.8 सेकंड्स कर लेना इस तरीके से, ड्रैग करके 2.8 सेकंड कर लेना। उसके बाद फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे एडिट पे जाना है, रोटेट करना है इस तरीके से, और आपको छोटा कर लेना है, और आपको एक राइट पे कॉर्नर पे आपको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद बैक आना है, और आपको बाकी इमेज को इस तरीके से 0.4 सेकंड कर लेना है, पूरा 0.4 परफेक्ट करना। और आपको एडिट में जाना है, रोटेट करना है, और फिल स्किन कर लेना है इस तरीके से। और बाकी आपको सभी इमेज को इस तरीके से रोटेट करना है, एडिट पे जाना है, रोटेट करना है, और आपको इस तरीके से फिल स्किन कर लेना है, और ड्यूरेशन आपको 0.4 सेकंड रखना है। इस तरीके से आपको सभी इमेज को 0.4 सेकंड ड्यूरेशन रखना है, और आपको एडिट पे जाना है, रोटेट करके इस तरीके से आपको फिल स्किन कर लेना है। इस तरह आप सभी इमेज को 0.4 सेकंड कर लेना, और एडिट पे जाना है, रोटेट करके आपको फिल स्किन कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद आपको एडिट पे जाना है, रोटेट करना है, और आपको इस तरीके से फिल स्किन कर लेना है। उसके बाद आपको एंडिंग पार्ट को सिलेक्ट करना है, और आपको डिलीट कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको फर्स्ट इमेज पे सिलेक्ट करना है, आपको एनिमेशन पे जाना है, इन एनिमेशन पे जाना है, और आपको यहाँ पे स्विंग बॉटम आपको एनिमेशन दिखाई देगा, आपको स्विंग बॉटम आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। स्विंग बॉटम को आपको सिलेक्ट करना है, और ड्यूरेशन आपको 2 सेकंड परफेक्ट रखना है, और राइट पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको थोड़ा सा इस तरीके से जूम इन कर लेना है, बाकी इमेज को आपको सिलेक्ट करना है, इस तरीके से जूम इन करना है, बाकी इमेज को सिलेक्ट करना है, एनिमेशन पे जाना है, कॉम्बो पे जाना है, और आपको पेंडुलम 2 आपको सिलेक्ट करना है, बाकी सभी इमेज में पेंडुलम 2 आपको सिलेक्ट कर लेना है। पेंडुलम 2 इस तरीके से, बाकी सभी इमेज को आपको पेंडुलम 2 इस तरीके से ऐड कर लेना है। इस तरीके से बाकी सभी इमेज को आपको पेंडुलम 2 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से फर्स्ट वीडियो जो हमारा इस तरीके से बन चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से ऊपर आपको एक्सपोर्ट कर लेना है इस तरीके से। आपको ड्यूरेशन रख लेना, रिजोल्यूशन आपको जितना चाहिए रख लेना है, और फ्रेम रेट आपको 60 करके एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको बैक आना है, उसके बाद आपको फिर से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और अभी आपने जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को आपको यहाँ पे ले लेना है। 5 सेकंड का वीडियो आपने जो अभी सेव किया उसको आपको ऐड कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद एंडिंग पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है,
कैनवास में जाना है, आपको कलर पे जाना है और आपको कोई भी कलर आपको फिर से एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको थोड़ा सा जूम इन करना है और आपको इस तरीके से ऊपर रखना है इस तरीके से। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, बैक आना है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, ओवरले पे जाना है, ऐड ओवरले पे जाना है और आपको इमेज ऐड करना है। आपको कोई भी एक इमेज इस तरीके से ऐड कर लेना है। उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है और आपको वीडियो के एंड तक आपको ये वाला इमेज लेके चले जाना है इस तरीके से। उसके बाद आपको इमेज को सिलेक्ट करना है, आपको बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है इस तरीके से। रिमूव करके आपको क्या करना है, एडिट पे जाना है, रोटेट पे जाना है और आपको इस तरीके से रोटेशन कर लेना है और आपको इसका साइज इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। इस तरीके से आपको नीचे इस तरीके से रख लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, बैक आना है और आपने जो अभी इमेज ऐड किया था उस इमेज को आपको एनिमेशन देना है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, एनिमेशन पे जाना है, इन एनिमेशन पे जाना है और आपको स्विंग बॉटम आपको ऐड कर लेना है इस तरीके से। और इसका ड्यूरेशन आपको 2 सेकंड ही रखना है और राइट पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। तो इसके साथ मैच होगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट पे प्लस पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे 8 फोटो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है और आपको सभी इमेज को आपको इस तरीके से 0.4 सेकंड्स कर लेना है। इस तरीके से 0.4 सेकंड करने के बाद आपको एडिट पे जाना है, रोटेट पे जाना है और आपको रोटेट करके इस तरीके से फिल स्किन कर लेना है। इस तरह आपको सभी इमेज को इस तरीके से 0.4 सेकंड कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको एडिट पे जाना है, रोटेट करना है और आपको फिल स्किन कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे सभी इमेज को करके दिखाता हूँ। तो मैंने अभी सभी इमेज को 0.4 सेकंड कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, एनिमेशन पे जाना है और आपको सेम कॉम्बो पे जाना है और आपको पेंडुलम टू सभी इमेज को सिलेक्ट करना है इस तरीके से। आपको पेंडुलम टू सभी इमेज में सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। आपको सभी इमेज को पेंडुलम टू आपको सिलेक्ट कर लेना है तो आप देख सकते हैं जो हमारा सेकंड स्टेप है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है इस तरीके से। आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आना है और आपको फिर से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और अभी जो आपने जो एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को आपको फिर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एंडिंग पार्ट को सिलेक्ट करना है और आपको डिलीट कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, कैनवास में जाना है और आपको कलर पे जाना है और आपको कोई भी कलर आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है और आपको इस तरीके से जूम आउट करके आपको एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद बैक आना है और आपको या फिर ओवरले पे जाना है और आपको कोई भी एक इमेज ऐड कर लेना है। उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है और वीडियो के एंड तक आपको ये वाला फ़ोटो लेके चले जाना है इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड करना है इस तरीके से, बैकग्राउंड रिमूव करना है और आपको रोटेट एडिट पे जाना है, रोटेट करना है और इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है नीचे, इस तरीके से आपको नीचे एडजस्ट करना है। उसके बाद इमेज को सिलेक्ट करना है, एनिमेशन पे जाना है, इन पे जाना है और आपको स्विम बॉटम आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। इसका ड्यूरेशन आपको 2 सेकंड परफेक्ट रखना है और राइट पे क्लिक कर देना है इस तरीके से और आपको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है।
उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है और आपको फिर से 8 इमेज सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है, सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, 0.4 सेकंड करना है सभी इमेज को, इस तरीके से 0.4 सेकंड कर लेना है। और आपको एडिट पे जाना है, रोटेट पे जाना है और आपको रोटेट करके फिल स्किन कर लेना है। एडिट पे जाना है, रोटेट करना है, इस तरीके से आपको फिल स्किन कर लेना है। तो सभी इमेज को आपको फिर से सेम प्रोसेस करना है, आपको ड्यूरेशन 0.4 सेकंड रखना है, इस तरीके से आपको कम कर लेना है, 0.4 सेकंड रखना है। और आपको एडिट पे जाना है, रोटेट करना है और आपको फिल स्किन कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इमेज को फिर से सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा जूम इन कर लेना है और इस तरीके से इमेज को सिलेक्ट करना है। एनिमेशन पे जाना है, कॉम्बो पे जाना है और आपको पेंडुलम टू सभी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से सभी इमेज को आपको फिर से पेंडुलम टू सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एडिट पे क्लिक करना है और आपको सभी इमेज को इस तरीके से एडिट पे जाके आपको रोटेट करके फिल स्किन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो वीडियो है वो बन रहा है, इस तरीके से बन चुका है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, इस तरीके से एक्सपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आना है, बैक करने के बाद आपको फिर से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और अभी जो आपने वीडियो एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को आपको फिर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एड पे क्लिक करना है, सेम प्रोसेस करना है। आपको क्या करना है, कैनवास पे जाना है, कलर पे जाना है और आपको कोई भी कलर इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इसे जूम आउट करके आपको एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है, राइट पे क्लिक करना है, बैक आना है, ओवरले पे जाना है, ऐड ओवरले पे आपको फर्स्ट इमेज आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद ऐड पे जाना है और वीडियो के एंड तक फोटो भी लेके चले जाना है इस तरीके से। उसके बाद एंडिंग को सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है। इमेज को सिलेक्ट करना है, आपको रिमूव बैकग्राउंड करना है, एनिमेशन पे जाना है, इन पे जाना है और आपको स्विम बॉटम सिलेक्ट करना है इस तरीके से। और इसका ड्यूरेशन आपको 2 सेकंड परफेक्ट रखना है और राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद बैक आना है, आपको एडिट पे जाना है, रोटेट करना है और आपको इस तरीके से नीचे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद बैक आना है और सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, 8 इमेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। प्लस पे क्लिक करना है, आपको 8 इमेज सिलेक्ट कर लेना है। और सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, 0.4 सेकंड ड्यूरेशन रखना है इस तरीके से। और आपको एडिट पे जाना है, रोटेट करके आपको फिल स्किन कर लेना है इस तरीके से। सभी इमेज को आपको ड्यूरेशन 0.4 सेकंड करना है इस तरीके से। और आपको एडिट पे जाना है, रोटेट करके इस तरीके से फिल स्किन कर लेना। तो आप सेम प्रोसेस करके बाकी इमेज को भी कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिल स्किन कर लेके आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, वीडियो पे जाना है, अपने जो वीडियो लास्ट में वीडियो ने जो सेव किया था उसको आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है और आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो वीडियो दिया था उसको वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। ऐड ऑडियो पे जाना और आपको साउंड्स में जाना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम साउंड वीडियो करना है इस तरीके से। और आपको इस तरीके से ऐड कर लेना है और एक्सट्रैक्टेड ऑडियो कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आना है, आपको फॉर्मेट में जाना है और आपको 9:16 फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, आपको एडिट पे जाना है
और आपको रोटेट करना है इस तरीके से, और आपको थोड़ा सा इस तरीके से जूम इन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो वो बन चुका है इस तरीके से, और आपको ये फुल वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।